ये तो कल नाम हुई थी भाई, लाइन मिल गया। ये तो नाम हुई थी, भूल वाले की किसकी क्या थी, फराज वालों के परांठे। भैया बता रहे हैं कि भैया 10 घर में काम कर रहे हैं, अजय भैया की भी शिफ्ट कर रहे हैं, अपने एक दोस्त की भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो भैया को तो वह बिग शाउट आउट, भैया के फॉलोअर्स बढ़ा दो। ठीक है भैया, इंस्टा पे हो आप? इंस्टा पे नहीं हो? बढ़िया है, अच्छी जिंदगी है ना। हो ना इंस्टा पे हो? जिस दिन से मैं इंस्टा पे हुआ उस दिन से तो मैट्रिक्स में ही फंस गया। भैया लोगों ने ही मना किया है। अच्छा, इंस्टा पाने के लिए? बिल्कुल ठीक बात बता दे, मतलब फोन पे तो जितना कम रहोगे ना उतना बढ़िया है, लेकिन भैया के चिकन तो शानदार है। भैया के चिकन को जो है 100 में से 100 मार्क्स है। लाए भैया चिकन? अच्छा बना दिया। चिकन मत मंगाना, अगली बार वो पूरा सब कुछ मंगाना, ठीक है ना, कटवा के मैं बताऊंगा। मतलब अगली बार ना हम सोच रहे हैं कि चिकन ना लाए, वो जो लाते हैं ना ये पैकिंग वाले से बढ़िया है, वो लाने वाला अगली बार बता देंगे आपको जब बनना होगा। अगली बार वेज चिकन बनवाओ। मैं बताऊँ, घास खुआ दो उसे मुर्गे, पहले वेजिटेरियन भोजन करा के उसे। मेरा एक कंसर्न है, अगर मुर्गे को वेज डाइट पर रखा जा, वीगन रखा जा, तो फिर वो नॉन वेज होगा कटने के बाद। जब हम भी वेज खा के वेज रह से है, तो मुर्गा भी वेज खा के वेज रह से है। वही तो, पर तू मुर्गा खा के वेज नहीं रहने ना। ये दिक्कत वाली बात है ना, जब सब नहीं वेज खाया तो नॉन वेज कहाँ से हुआ? तू अपने आप को वेज तभी तो बताओगा जब तू वेज खावेगा। यार तेरे अंदर जैसे ब्लड, ऐसे तो तेरे अंदर भी ब्लड चल रहा है ना। सुन तो, तूने तो वेज नहीं खाया। तेरे अंदर भी ब्लड चल रहा है ऐसे तो, तो नॉन वेज हो गया। बिट्टी के अंदर तो ब्लड नहीं चल रहा है। जिंदा तो प्लांट भी है, जिंदा तो पेड़ भी है, ये बता। वो तो बस आओ कर नहीं पा रहा, बस मुर्गे ने फालतू बोलना सीख रखा। नहीं देख, काट तू भी नहीं पाया पूरी 100%। नहीं, पहली क्लास में क्या बता दिया गया था तुम्हें, एक पेड़ पौधे भी सांस ले पा रहे। रचित एक काम करना, मेरी भी एक शर्ट पहन ले इसके ऊपर। तीन बूंद पड़ी है, डरा फिर रहा, केस रजाई निकाल ली। कुछ तो बात है, कमजोर है अंदर से, कुछ तो बात है, कुछ तो मक्कारी कर गया। तो भाई फ्लैट मिल गया, और आज थोड़ा सा डॉक्यूमेंट का काम हो गया, मुझे लग रहा है 2-3 दिन में अब शुरू होने वाला गस्सम गस्सी। छोटा हाथी चल, तो उचित रेट पे तो बता दिया। सब्सक्राइबर यार, सामान ढुआन भाई, इतने सब्सक्राइबर है, अगर एक एक छोटा छोटा सामान एक आदमी भी ले जा, गायब कर देंगे, जाते अपने घर लेके चले जा, कदे किसी का कोई भी रहा हूं, इतना भी ट्रस्ट ना करे। कर ले भाई ब्रेकफास्ट हम भी। वाह भाई, ये केक जो है भाई को देना था। किस दिन हुआ था स्टैंड अप? ये बोतल भी देनी थी, ये सब देना था, सब देना था। इसको रख दो, ये केक खराब हो गया वो करे। हां तो रहने दो, कोई फायदा नहीं है। मैं एक वैसे परसों खाया था थोड़ा सा, खाऊंगा। और अपना ये उठा लो यहां से, महीनों का रख रहे थे उसने, जो दे दे यार वो पैक करके डिब्बे में ले। भाई बात तो देख, निहाल ने ऐसी कच्ची कही, मैंने कह रहा केक खराब नहीं होता बट खाओ ना इसे, क्योंकि ये फ्रिज में जम चुका है बिल्कुल। देख एक बार, पत्थर हो रहा, काट कट बनने का नहीं। इसका बाप भी कटेगा, अभी देखिए इस चक्कू से तू भी कट जाएगा। बोलिए, अरे मतलब यूं तो कट जाएगा लेकिन इतने दांत से कह रहा, दांत से नहीं कटने का भाई, ये तो पिघला ही लो बस इसे तो। हाँ कितना बढ़िया मौसम हो रहा है यार आज, कुत्तों की तरह स्निफ करने का मन कर रहा है इस मौसम में मेरा। आज देखो भाई 3 बजे दोपहर के कैसा मौसम हो रहा है। इससे एक फायदा पता क्या हुआ कि एसी की अब 7 दिन की मोहरत और मिल गई। मोहलत हो या क्या मोहरत हो, क्या मोहलत हो, मोहरत तो कर गो। तो हमारा भी बच गया खर्चा, इतना हम शिफ्ट हो जाएंगे उधर एसी भी तो। कल रात से ज्यादा पड़न लगी थी लेकिन नहीं। अभी हम लोगों को एक साथ 5 AC परचेज करने, तो वही है जिस भाई की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो वो पिंग कर देना, जिसको अपने पापा का कुछ प्रॉफिट कराना। बिलिंग GST वाली कराएंगे हम, तो बता देना जो 5 AC बेचना चाहता हूँ नए नगोरे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे से, सस्ते डिस्काउंट के साथ। और भाई सस्ते और अच्छे हो, 5 स्टार। 5 स्टार नहीं आवे ना, वो मुश्किल ही मिले 5 स्टार AC। नहीं मिल तो जाए, पैसे खर्च नहीं पड़े, बिजली ना बिठा दे कोई, मैं वैसे हूं। वो पनीर भी उड़ा दे किसी के ऊपर, पनीर की कटोरी। मैंने पर एक चीज देखी यार, मिडिल क्लास लड़कों का ह्यूमर ही अच्छा क्यों, रिच और पॉपी बच्चों का ह्यूमर अच्छा नहीं होता देख भाई, क्योंकि जोक्स ही मिडिल क्लास हो ना, समझ नहीं इस बात को, जोक्स मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी जोक है। अमीर आदमी की जिंदगी में कोई जोक ही नहीं है, क्या जोक मारेगा वो कि मैं मर्सिडीज में बैठा। और शॉपिंग शुरू होगी क्या? थोड़ी बहुत
अभी उस लेवल अभी युद्ध स्तर पर नहीं हुई यार। मुझे बुरा क्यों लग रहा है जैसे तेरी शादी करी और कहाँ पूरा एक साल था तेरी शादी में, पूरा एक साल था जब तूने पिछले साल मुझे बताया था कि रिश्ता हो गया, कहाँ पूरा साल बीत गया यार। बिल्कुल मिस नहीं, मैं भी अपनी शादी के एक साल करीब आ गया ऐसे तो। एक बात तो माननी पड़ेगी, क्या बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। तूने तो एक्सेप्ट कर ली अपनी फेट और यार, पर अभी तेरा भाई जो है जंग के मैदान में अभी खड़ा है ऐसा खड़ा और छाती चोड़ी करे ऐसे। मैंने कहा यार आज तो आसमान नहीं हो रहा भाई, बहुत दुख का विषय है। अरे बड़े भाई ये रे यार आज, अब तो बड़े भाई बिल्कुल काम के दिन आ रहे, अब बिल्कुल भी काम में मक्का ही नहीं कर रहे। महीने के एंड में आने लगे, जैसे पहली डेट आने वाली हो तो उस दिन आने लगे फिर। कलम और किताब हुई है आज, आज तो दुकान चुके हफ्ते काम शुरू कर दिया हमने। कितने रुपए की कमाई करवाई ना तो ये देख कितनी फ्रेरो रोशर खिला दिया। यो बहुत महंगा आदमी है, यो बहुत महंगा पड़ा है डेली। इससे तीन गुने का सुन दे तेरी बात रोक रहा हूँ। जब भी बैठा है कम से कम 500,000 रुपए का, तो कलम 500,000 रुपए का सामान खा के चल रू फिर। इसको वाला काम है 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। हमारे जो तीन बड़े शो हैं अप्रैल के वीकेंड्स पे, नोएडा, देहरादून और इंदौर, उन तीनों के टिकट्स लाइव हो गए हैं। वो बुक माई शो पे जाके तुम लक्ष्य चौधरी सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, और अगर नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में पिंड वहां पे भी आ जाएगा। अब सीन ये है कि इसके अलावा भी वेन्यूज हैं जो कि फाइनल हो जाएंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर, उसके टिकट्स भी वहीं सेम ही उस पे लाइव होते हैं सेम ही लिंक पे। तो तुम ना वहां पे जो लोग अहमदाबाद से हैं या जयपुर से हैं या कानपुर से हैं या लखनऊ से हैं या गुड़गांव से हैं, मतलब इन इन जगह भी शो होंगे, वो बुक माई शो पे जाके इंटरेस्टेड का ऑप्शन आता है वो प्रेस कर देना। उसके बाद जब भी वहां के शो की वेन्यू कन्फर्म होगी तो जो है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। बिना वेन्यू कंफर्म हुए मैंने टिकट नहीं डलवाए वहां के, क्योंकि वेन्यू पता होना जरूरी है आपको कि आपसे कितना दूर है क्या है। ये लोकेशन भी आएंगी, लेकिन अभी इंदौर का हो गया कंफर्म, जयपुर का हो गया और नोएडा का हो गया, तीनों वेन्यूज कंफर्म है और तीनों के टिकट्स लाइव है। स्पेशली देहरादून में हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए सुबह का शो रखा है संडे का, जिससे कि स्टूडेंट आ पाए। वहां पे स्टूडेंट पास भी है जो कि आपको 499 का मिल रहा है। स्टूडेंट पास का ये, अब बहुत से लोगों को ये भी लगता है अर्ली बर्ड स्टूडेंट पास और रेगुलर टिकट्स में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। सीट हमेशा फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे मिलती है। अर्ली बर्ड्स तो लिमिटेड टिकट्स होते हैं, जो पहले बुक कर लेता है वो अर्ली बर्ड, रेगुलर टिकट जो लोग लेट परचेज करते हैं रेगुलर टिकट उनके लिए होते हैं, और स्टूडेंट पास वही है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन सिर्फ यूनिवर्सिटी और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। बाकी ऐसे मत करना कि स्टूडेंट पास खरीद लो वहाँ पे और तुम्हारे पास आईडी कार्ड ही ना हो तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। हाँ पढ़ते हो आपके पास आईडी कार्ड है आप स्टूडेंट पास बाय कर ले, बट लिमिटेड ही है, उसके बाद सिर्फ रेगुलर ही टिकट्स मिलेंगे। तो भाई फिर मिलते हैं और मजे करते हैं। तुम यार रात रात भर कहाँ ऐसे घूमते रहे? बिग प्रोजेक्ट्स ब्रो, वही बताने वाला था मैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, 1 मिनट 20 सेकंड की रील शूट करके गाड़ी में 20 किलोमीटर की रेंज का पेट्रोल फूंक के आप दो बड़े आदमी घर जा रहे हैं। बहुत रिलेटेबल रील है वो, ये गाइस लोग प्रमोट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो ऐसे गाइस एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रिलीज हुआ है जाके देखो रील को कहते हैं। तो प्रोजेक्ट तो नहीं है, एक छोटी सी रील है वो डाली है और अब वापस जो है अपने ठिकाने जाने लग रहे। अब जो है अब देश का युवा पूरे दिन मेहनत करने के बाद दारू पी के सो जाएगा। देश का आर्टिस्ट, अब मैं मेहनत करनी छोड़ दी यार, सारी ब्रांड से मेरा पेमेंट रुका हुआ पिछले महीने का यार, अब मैं त्रस्त आ गया यार। यार लेकिन देख मेरा कितना सही है, मेरा नहीं रुका वो। ठीक है यार ये जीवन बढ़िया है। मैं सोच रहा हूँ चोरी डकैती करूँ यार, और क्या, एक बार मैं मतलब एक बार की मेहनत है, चोरी का क्या है, एक बार की मेहनत है, बैंक वैंक लूटने का एक बार का है जितना है सिस्टम, उसके बाद अपना टेंशन फ्री हो जा जीवन। अगर बच गए तो टेंशन फ्री, फंस गए तो टेंशन फ्री। एक बार बता, अगर आप गिरफ्तार भी हो जाओ जेल में भी चले जाओ विकांशु, तो क्या टेंशन है भाई, जेल में मार पिटाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। जेल का मतलब है आपको एक कमरे में मून दिया, आप सोसाइटी के लिए खतरनाक हो, अब आपको बाहर नहीं छोड़ा जाने का। तो यहाँ भी तो हम एक कमरे में ही है। हाँ ये बात तो है, देखा यहाँ भी एक ही कमरे में बड़े भाई। तो मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जेल से क्या डरना, बस वही हमारा वो दे दो पीसी वगैरह रख के, ट्राइपॉड दे दो। विकांशु कैमरा सही नहीं पकड़ रहा, तू बाहर लड़की देखने में ध्यान है तेरा। देख रहा था ना तू अभी, दो लड़कियां जब तू एक के बाल बहुत लंबे थे देखी हो? मैं ऐसा ध्यान नहीं दिया भाई, एक के बाल बहुत लंबे थे जो गाड़ी की खिड़की खोलने लगे थे। ये आंखें नहीं है भाई, ये टर्मिनेटर का वो है, वो जो फाइंड आउट करते हैं ना हेयर लेंथ हाइट ये वो। ये देखो भाई चुपचाप कॉफी बनवा रहा, किसने बनवाई है? हाँ भाई बहुत पैसा आ गया तेरे पास, ये सब नहीं बना करता भाई। और जैम ओ भाई कहना, अभी इतना रपा भी नहीं आया भाई, तुम तो होमा होलिए भाई, देख के चल लो, सिर से नहीं चला करते भाई। 2 रुपए आगे के लिए बचा लो, दी यार एक ब्रेड सी देते जैम ही है ना दोनों में, एक दे दो ऊपर वाली। वैसे चाट लूंगा इसे तो, भाई तो नाम ही उठ जाएगा कहना। कॉफी किंग ले कहाँ है? स्टूडियो क्यों गए उसे तुम, पपड़ी तो सारे की झटकी उसकी। स्टूडियो बहुत बड़ा वर्ड है,
अब उसके लिए उसे तो कोटड़ी कहने लगो। इस टाइम रात के खाने के लिए छाछ खत्म हो गई थी और छाछ अभी नीचे भी नहीं मिली, ब्लिंकिट पे भी नहीं है और स्विगी पे भी नहीं है और नीचे वाली शॉप पे भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है एनसीआर में छाछ की शॉर्टेज आ गई। तो टेटर पैक वाली तो खैर मिल गई और दही भी है। मुझे ऐसा लगा यार कि अपनी लाइफ बड़ी अनकूल लगती होगी क्योंकि बैचलर कहाँ तो घूमने फिरने गए और शोफ के स्नैप्स डालते रहे, हम दही खरीदने पे हम फ्लैक्स मारे। हमें भी गड्डी दे शीशे काले काली गड्डी वाले गाने लगा के ऐसा घूमना चाहिए रोड्स पे, तभी हमें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। ये देखो सोसाइटी से याद आया मेरी बोट किधर है। अब यार मैं अभी नहाया था, मैं गंदा हो जाऊंगा इसमें पूरा। ऐसा लड़के लहंगा ऊपर करके निकले ना, इस तरह निकलना पड़ेगा। ओह माय गुडनेस। और मुझे बारिश के मौसम में एक एंग्जाइटी हो रहा है पानी में जाने में कि मैं किसी मेंढक पे ना पैर रख दूं। मतलब एक दो जगह मैंने मेंढक को सड़क से चिपके हुए देखा और मुझे उनके लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। समझे शज़ाम शज़ाम। ये तो जान ही रहा एज ऑलवेज। मैं रे और बड़े भाई हम लोग जा रहे हैं शज़ाम देखने, जबकि हमें पता है कि बच्चों वाली मूवी है। पर क्या ना आज बच्चे ही तो हैं, सिर्फ एक आध चीज ही तो बड़ी होगी। कोई ऐसा व्लॉग दे दो, दिखाओ किसी ड्यूरेशन से जहाँ से कुछ ऐसा ना हो कि फैमिली को दिखा सके। बड़ा है वो छोटा है। तो बड़े भाई वाली रील भी बनाई, उसमें भी यही कमेंट आ रहा है कि एक चीज और बड़ी है। चलो भाई लग जाओ तुम काम पे। यार मेरे गट्टा इतना दुख रहा था इस टाइम। तेरा गट्टा दुख रहा, मेरे उससे राइम करता हुआ कुछ और दुख रहा। देखिए हाथ सूज रहा है, एक बार सीरियसली देखिए वाला। पतला ही होता जा रहा है भाई हाथ, देख ये सूज रहा ना। तो रहा जब से तू नहाया तब से हुआ है। नहीं सच में सूज रहा है, मुझे दर्द फील हो रहा है बहुत ज्यादा। अरे नहीं कुछ नहीं सूज रहा है। एक बार लोअर तो देख बड़े भाई का, वो इससे चौड़ा तो मेरा ही हुआ है। वो कितना पतला होता है राजू, दिखा भी ले। तेरा तो थोड़े दिन में एचआईवी के पेशेंट में फोटो लगने लगेगी कि ऐसा नहीं बनना। छत्ती देख ले इसकी कहाँ जाली। लोअर देख ले, सिर बड़ा रह गया। एक दिन छोटा अबे रे से छोटी हाइट होगी तेरी, पता नहीं यार कभी हो जाएगी। आज सलमान खान वाले जूते निकाल दी, शाम में छोटा हो जाऊंगा। बाथरूम में एक घंटा लगाया, दिक्कत हो गया। तो शरीर से गिर गया आए तो गिर गया शरीर। ओके सो अजय भैया के जो कजन है वो खाने में इतने मिर्च डाल रहे कि रे रे सा तो खाया नहीं जा रहा। देखो मुझे तो मिर्च खाने की आदत है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी दिक्कत हो रही खाना खाने में। लेकिन कोई बात नहीं, आज रात UFC का मैच है तो आज उन रेयर दिनों में से एक दिन होगा जब मैं जगूंगा लेट तक। और ऊपर से मैं अपनी वीडियो की स्क्रिप्टिंग भी कर रहा हूँ, मुझे 20-21 तारीख में वीडियो डालनी, फिर मुझे 24 तारीख में वीडियो डालनी। तो अब थोड़ा जम के वीडियो में लगना पड़ेगा, ये भी करते हैं। और अभी तो वहाँ पे मूवी देख रहे होंगे शेज़म। मेरा भी मन था शेज़म में जाने का लेकिन मैं गया नहीं। आज का जो मौसम है वेदर फोरकास्ट में आज टेम्परेचर नहीं आना चाहिए ना ये आना चाहिए कि बादल है धूप है, आज तो सीधा बेईमान लिखा आना चाहिए वेदर फोरकास्ट में। इतना मस्त मौसम हो रहा कसम से, आज बिल्कुल परफेक्ट दिन था ड्राइव पे जाने का। लेकिन कुछ डेडलाइंस की वजह से नहीं जा सकते, विच इज कूल। शो स्टार्ट हुए आधा घंटा हो गया और ये देखो ये क्या कर रहे हैं अभी। अरे ले लो कोई दिक्कत नहीं है, मूवी तो बाद में भी देख सके। मूवी तो बाद में भी बता दे क्या स्टोरी था। देख अमीर तो हैं लोग भाई, PVR में पॉपकॉर्न और रेड बताओ। कुछ तो दिक्कत है भाई, आराम का तो रहा कहीं ना कहीं से। कंप्लेन कर रखी बटन नहीं बमगा देसी की ली। अब तक तो थिएटर भी नहीं मिला, तो कैसा लगा भाई 1 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद। बहुत मजा आया, मतलब वो भी देख ले IMAX यही वाला है का, कभी रात की जवानी में चले जा। मूवी थोड़ी देखने आए, घूमने आए यहाँ PVR के अंदर। यही है लग रहा मुझे कि हमें बुला रहा है। अब की बार तो मुझे जंगला भी पता है। अबे लेकिन ये तो ये कह रही थी फर्स्ट टाइम है, ये तो फर्स्ट टाइम है। लाइट भी लगा रही। कोई नहीं आराम से करो, पहले खाने का सामान भर लो। घर से साले 3-3 पराठे खा गए, मेरा आगे पहले आलू और पराठे खुआ के चले थे। मेरे बच्चे आते हैं इसे मूवी को देखने तो बढ़िया था, बिल्कुल बच्चों के लिए सीधी सीधी, कोई ट्विस्ट नहीं कुछ क्लाइमेक्स नहीं, बस सीधा ही बज रहा है ना। बच्चे करने पड़ेंगे मूवी के लिए। ओके गाइस लेट्स गो चलो। अभी रात के 12 बजे और मुझे सुबह के 4 बजे तक जागना, तो इसीलिए आज मैं रात में अपनी स्क्रिप्ट निपटा दूंगा और सुबह आराम से फाइट देखूंगा। फाइट देख के फिर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, ऐसा मेरा प्लान है। लेकिन 11 बजे के बाद ये स्विच ऑफ हो जाए मेरा, ये मुझे कुछ नहीं करने देता कसम से यार। देखो भाई अभी रात के 2 बजे लगभग और इस फ्लैट में ये तो कन्फर्म है कि कोई तो इस फ्लैट में है जो हमारे से पीछे पीछे बिना रेंट दिए रह रहा है यहाँ पे। मुझे बहुत अजीब अजीब आवाज़ जा रही। लेकिन
ये नहीं पता कि खबीब नरमाकर मैरोव सीधी टेक डाउन लेके मॉल करेगा। अगर किसी को पहले से ही थोड़ा बहुत अंधेरे अंधेरे से डर लगता हो तो मैं उसे रिकमेंड नहीं करने का कि हमारे फ्लैट में आवे वो बंदा, और स्पेशली अकेले। कभी यहाँ पे पानी चल पड़े, कभी यहाँ पे ऐसी आवाज आने लगे अजीब सी, कभी लाइट टिमटिमाने लगे।